गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है क्लास सिक्स के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि एडिशन पे बेस्ड हैं। आपने पिछली क्लास में एडिशन कैसे करते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस का हमने वो सीखा था। सो आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें कि हम मिक्सड फ्रैक्शंस को, हमने अनलाइक तक तो पढ़ लिए कि हम मिक्सड फ्रैक्शंस को कैसे हम एडिशन उसका हम करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊँगा। क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम, तो ये नंबर है आपका 2 3/10 प्लस 3 1/15। सो ये एक नंबर है, यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर इसको ऐड करना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, सो 5 2 10 2 20 और 3 23 अपॉन 10 प्लस 15 3 45 46 अपॉन 15। सो ये हमारे दो नंबर आ गए। आप देखिए, आप ये इम्प्रॉपर है, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 10 और 15। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, सो 10, 15, सो 5 2 10 5 3 15। सो जो हमारे पास नंबर आए हैं वो आए हैं 5 × 2 × 3, सो 5 2 10 10 3 30। तो जो एलसीएम आया हमारे पास वो आया है 30। अब हम इसको यहाँ यूज करेंगे, सो 23 अपॉन 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आए 30। सो 10 3 30, सो ऊपर भी हम करेंगे, सो 3 3 9 3 2 6, सो 69 अपॉन 30। पहला नंबर ये हो गया हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा 46 अपॉन 15। तो इसमें हम करेंगे 15 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 30 है, तो 15 2 30, तो ऊपर हम 2 करेंगे, 6 2 12, सो दूसरा नंबर आया हमारा 92 अपॉन 30। तो पहला है 69 अपॉन 30, दूसरा है 92 अपॉन 30। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो यानी 69 अपॉन 30 प्लस 92 अपॉन 30। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 30, यहाँ आ जाएगा 69 प्लस 92, तो ये हो जाएगा हमारा 161 अपॉन 30। अब 161 अपॉन 30 को आप इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नंबर आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर दो क्वेश्चन यहाँ पे दो नंबर थे, यहाँ पे 3 हो, 4 हो, उससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आपको बहुत अच्छे से मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आपको आता भी है, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद फिर सेम वही मेथड है, आपको फिर वही एलसीएम लेना है, सबका डिनोमिनेटर आपको इक्वल बनाना है, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद आपको उसको ऐड कर देना। अब यहाँ पे अगर एडिशन पूछा है तो आप एडिशन करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम मेथड है, आपको इसी तरीके से पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर उसका सेम बनाएंगे, लास्ट में अगर आपको ऐड करने को बोला तो आप यहाँ प्लस कर देंगे, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने को बोला तो आप यहाँ माइनस लगा के उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस है। लास्ट में अगर ऐड करने को बोला तो ऐड कीजिए, अगर माइनस करने को बोला तो आप माइनस कर दीजिए। सो ये क्वेश्चन था और ये उसका सोल्यूशन है, इसका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, देखिए, सारिका वॉक्ड 11 अपॉन 18 किलोमीटर्स ऑन सैटरडे एंड 7 अपॉन 12 किलोमीटर्स ऑन संडे, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस शी वॉक्ड बोथ डेज। यानी कि सरिता ने 11 अपॉन 18 किलोमीटर्स चला सैटरडे को और 7 अपॉन 12 किलोमीटर वो चली है, मतलब यानी कि वॉक किया है संडे को। सो
फाइंड द टोटल डिस्टेंस, यानी कि हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमको कैलकुलेट करना है कि उसने दो दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दी हैं, आपको टोटल करना है, यानी कि हमको इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इसमें स्टेटमेंट लिखना होता है। आप याद रखिए कि वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। तो स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, सो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन सैटरडे इज 11/18 किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन सैटरडे इज 7/12 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 11/18 प्लस 7/12। अब आपको पता है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर हमारे पास दो अलग अलग नंबर है, सो हम इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो तो यहाँ हमारा जो LCM हुआ जाएगा 36। तो अब हम इसको कॉल करते हैं, तो 11/18 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाए आपका 36, तो ऊपर नीचे 2, तो ऊपर भी हम 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22। और इसी तरीके से दूसरा नंबर जो है हमारा 7/12 में हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर आए 36, तो 3, तो यहाँ भी 3, 7 से 21। तो हमारे दो नंबर आए 22/36 अब इनको ऐड कर देते हैं। सो 22 प्लस 21/36 तो 43/36 जो किलोमीटर है वो ट्रैवल किए हैं सरिता ने दो दिन में। तो ये हो गया आएगा हमारा 43/36 किलोमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो ये हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ एन एम्प्टी गैस सिलेंडर इज 16.4x5 kg एंड इट कंटेन्स 14.2x3 kg ऑफ गैस, व्हाट इज द वेट ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस। यानी कि अगर खाली सिलेंडर है हमारा तो उसका वजन है 16.4x5 kg और उसके अंदर जो गैस भरी होती है, जो उसमें हम सिलेंडर का वेट ऐड नहीं कर रहे, अलग से जो गैस उसके अंदर भरी होती है वो है 14.2x3 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर फिल्ड विद गैस, तो अगर कोई सिलेंडर के अंदर गैस भरी है तो उसका टोटल वेट कितना होगा। तो फिर वही बात आ गई कि हमको क्या करना है कि सिलेंडर का वेट प्लस गैस के वेट को हमको ऐड कर देना है। तो फिर हमारे पास दो नंबर जो है वो है 16.4x5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 14.2x3। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो हमारे जो दो नंबर हैं वो हैं 84 बाई 5 प्लस 44 बाई 3। अब देखिए यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ करना है कि आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 84 बाई 5 एंड वेट ऑफ गैस वो हो जाएगा 44 बाई 3 kg। अब ये दोनों वैल्यूज kg में हैं, सो टोटल वेट जो हो जाएगा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो LCM लेंगे हम, LCM ऑफ 5 और 3, सो इसका LCM लेंगे हम तो आएगा LCM 15। तो अब हमको इसको बनाना है नंबर को, तो 84 बाई 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर है 15, तो 3 तो ऊपर भी 3, 84 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा 252। इस तरीके से दूसरा नंबर है जो 44 अपॉन 3, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ऊपर भी 5, तो इसका आंसर आएगा 220 यानी कि 220। अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं, सो इसको हम ऐड करेंगे, सो 252 प्लस 220 अपॉन 15। तो इसको ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आंसर आएगा फाइनल आंसर, यानी कि जो 472 kg होगा वो होगा टोटल वेट सिलेंडर का गैस के साथ। तो ये नेक्स्ट तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी हमको ऐड करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।